करेंगे तो ये 34 ईयर्स चल रहा है, क्या कहेंगे इस उत्सव के बारे में? पहले तो गणतंत्र दिवस को गणतंत्र दिवस की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारा हर साल 26 जनवरी को जनरल महोत्सव होता है, उसमें हम लोगों ने साल एक साल में जो जो हम किए रहते हैं या आगे हम हमारी रणनीति क्या है उसके बारे में हम लोग बताते हैं। तो सर क्या क्या हुआ है उपलब्धि? हमने ऑफिस भी ओपनिंग किया थे हम लोग, तो क्या क्या इस बार हुआ है, नया कुछ इजाफा हुआ है, बताएंगे कुछ उपलब्धि? मतलब अभी हम लोग अभी नई कमेटी फेडरेशन में भी आई है और हमारे यहाँ हम लोग मिलकर के गवर्नमेंट से कुछ मांगे करें, जो कि हमारा काफ़ी शोषण हो रहा है। प्रोड्यूसरों से तो नहीं, फिल्म प्रोड्यूसरों से तो नहीं, सीरियल प्रोड्यूसर में भी शायद प्रोड्यूसरों को पता भी नहीं होगा, लेकिन बीच के जो उनके लोग हैं उसमें अपने बीच में से हम लोग एजेंट खत्म करेंगे, डायरेक्ट प्रोड्यूसर से चैनल से हम अपनी डिमांडें करेंगे। काफ़ी हमारे मेंबरों का शोषण हो रहा है, उसके बारे में हमको आवाज़ उठाना है और गवर्नमेंट से, किरण सुमैया साहब से, सभी लोगों से हमारा बात हो रहा है। और जो जो जैसे अभी कहीं भी जितने भी स्टूडियो हैं कोई सेफ्टी नहीं, कोई फायर का व्यवस्था नहीं और काफ़ी तकलीफें हैं। कोई भी एक बंद कंपनियां पर जहाँ पे बंद है, जहाँ पे ठीक से लोग रह नहीं सकते वहाँ पे शूटिंग हो रही है, खाना अच्छा नहीं हो रहा है, इन सब चीज़ों पे हम आज डिमांड करने वाले हैं और आगे उसकी लड़ाई लड़ने वाले हैं। तो बड़ा एक आंदोलन हुआ था सर कुछ दिन पहले अभी सिटी के गेट पे, और उस समय आश्वासन दिया गया था कि नहीं आप लोगों के साथ। सर वो जो आंदोलन लोग किए थे वो लोग गलत तरीके से, कुछ पहले की भ्रष्ट फेडरेशन की कमेटी थी जो कि उनका आंदोलन करने का तरीका गलत था। उन्होंने प्रोड्यूसर से कोई डिमांड बैठ के किया ही नहीं, उसके पहले ही आंदोलन किया था। जब हमारी फेडरेशन, हमारी यूनियन ही उस समय टूटी पड़ी थी, सब आपस में बिखरे हुए थे, तो आंदोलन का कोई मतलब नहीं था, वो आंदोलन नाजायज था, उस आंदोलन का भागी हम लोग नहीं थे। अच्छा, मजदूरों की सुरक्षा को लेकर क्या किया जा रहा है? सुरक्षा को लेकर किरण सुमैया जी से बात हुई है और जो भी लेबर मंत्रालय से संबंधित लोग हैं उनसे मीटिंग करके हम लोग सुरक्षा पे, खास करके सुरक्षा पे ध्यान देने वाले हैं और उसकी हम डिमांड करने वाले हैं। अगर प्यार से सम्मान है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम दूसरे तरीका अपनाना पड़ेगा। और आज गेस्टों की बात करें तो कौन कौन यहाँ पे सहयोगी? फिल्मी, काफ़ी फिल्मी जो हमारे सहयोगी है वो आ रहे हैं, सब हमारे 22 यूनियन के काप्ट आ रही है, फेडरेशन के मदरबड़ी है, नागपुर वेलफेयर चैरिटी के कमिश्नर आए हुए हैं, पॉलिटिक्स से किरण सुमैया जी, बाकी पॉलिटिक्स से भी काफ़ी लोग हमारे चेयरमैन रामकदम साहब। अच्छा, पेमेंट को लेकर भी कई बार इशू होता है तो मजदूरों का पेमेंट और एक्चुअली और इसमें इंश्योरेंस भी है। अगर इंश्योरेंस का हम लोग वही है, इंश्योरेंस का डिमांड करेंगे, सामूहिक डिमांड, सामूहिक इंश्योरेंस होनी चाहिए और पेमेंट का हम डेली वेजेस है, लेकिन कुछ कॉन्ट्रेक्टरों के कारण हमारा 6-6 महीना 3-3 महीना भी पेमेंट नहीं होता, कभी कभी तो डूब जाता है, उसकी भी हम डिमांड कर रहे हैं कि आगे से हम यही कोशिश करेंगे कि जो हमारे मेंबर हैं हफ्ते हफ्ते पेमेंट होना चाहिए और जो मंथली मेंबर हैं उनको एग्रीमेंट पे तो 25 दिन का एग्रीमेंट कराते हैं कि 25 दिन महीने में 4 छुट्टी दिखाते हैं, लेकिन हमारे किसी भी मेंबर को छुट्टी नहीं मिलता, वो हम आवाज़ उठाने वाले हैं और प्रोड्यूसर को उस चीज़ के लिए हम मनवाएंगे कि हमारे मेंबरों को महीने में 4 छुट्टी, तो अगर 4 छुट्टी नहीं दे रहे तो उसका भर के पैसा चाहिए। इनको संडे भी काम करना पड़ता है मजदूरों का, संडे भी। और 34 साल से ये महोत्सव चला रहा है तो किस तरह का बॉन्ड बन गया है जो यहाँ पे इतने सारे भारी संख्या में लोग आए हैं और आप भी यहाँ पर बहुत टाइम से आपने सारी जो चेकआउट किया आपने स्टेज पर आकर, क्या कहना चाहेंगे, कैसा बॉन्ड बन गया है सबके साथ? हमारा 34वीं वार्षिक महोत्सव है, सभी लोग इसमें अपने उत्साह से आते हैं, उनको एक साल की जो भी रिपोर्ट होती है वो हम उनको बताते हैं, नहीं तो पहले कुछ उन लोग को पता ही नहीं चलता माइक पे, तो हम बुक द्वारा सबको समझाते हैं और बताते हैं उनकी जो भी सुविधाएं होती हैं यहाँ पे हम ऐलान करते हैं और हमने क्या किया क्या नहीं, अच्छा बुरा सब यहाँ पे लोगों को हम बताते हैं। ओके सर।